शक्ति में हनुमान मूर्ति और मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। वन कर्मचारी और जंगल समिति के अध्यक्ष पर आरोप लगे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर एसपी के को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का यह मामला है। वन कर्मचारी और जंगल समिति के अध्यक्ष पर आरोप लगा है। हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है और इस कार्रवाई को लेकर कलेक्टर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर अब हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज की है। वन कर्मचारी और जंगल समिति के अध्यक्ष पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की खबर मिली है। नेत्राम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नेत्राम, बताएं क्या अपडेट इस विषय पर। जी देखिए, हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर तोड़फोड़ कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई है, जिसको लेकर के हिंदू संगठन के द्वारा कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में जा करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। और बताया जा रहा है कि वहां एक पुजारी ही बैठा हुआ था, जिसके साथ भी बदतमीजी टाइप का व्यवहार किया गया था, जिससे आक्रोश बढ़ गई है। और ग्रामीणों द्वारा जब जैसे ही पता चला तब जाकर ज्ञापन दिया गया है। जी, क्या जहाँ पर मंदिर बना है वो वन विभाग की जमीन है? वन विभाग की जमीन नहीं है, लेकिन वन विभाग के द्वारा कब्जा करने की बात कही जा रही है और कब्जा करने के लिए ही उसको अंजाम दिया गया है, ऐसा बात सामने निकल कर आ रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।